नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट करे पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हाइपर सुपरमार्केट ग्रोसरी स्टोर फ्रेंचाइजी के बारे में और जानेंगे कि आप हाइपर सुपरमार्केट कंपनी की फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कितनी जमीन होनी चाहिए। और दोस्तों साथ यह भी जानेंगे कि यदि आप हाइपर सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और कंपनी कितने प्रकार की फ्रेंचाइजी अवेलेबल कराती है, ये सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपर सुपरमार्केट कंपनी के बारे में। तो दोस्तों हाइपर सुपरमार्केट कंपनी या हाइपर मार्ट एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर कंपनी है। दोस्तों यह कंपनी इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर सुपरमार्केट रिटेल का बिजनेस करती है और आज इस कंपनी ने इंडिया के अंदर बहुत से स्टोर ओपन कर रखे हैं। दोस्तों आज इंडिया की लगभग 60 सिटी के अंदर इस कंपनी ने अपने स्टोर ओपन कर दिए हैं और धीरे धीरे कंपनी अपने नए नए स्टोर ओपन कर रही है, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में यह कंपनी साउथ रीजन के अंदर ही अपने स्टोर ओपन कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी अब अपना नेटवर्क बढ़ा रही है और पूरे इंडिया के अंदर अपने स्टोर ओपन कर रही है। तो दोस्तों यदि कोई भी पर्सन यदि कोई सुपरमार्केट ओपन करना चाहता है तो वह हाइपर सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी लेकर अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है और अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप हाइपर सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो कंपनी कितने प्रकार के स्टोर ओपन कराती है और कितने प्रकार की फ्रेंचाइजी मॉडल कंपनी देती है। तो दोस्तों आपको बता दें कंपनी 4 प्रकार के स्टोर ओपन करवाती है। इन सभी के अंदर अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और अलग अलग जमीन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों सबसे पहले है हाइपर एवरीडे। दोस्तों इस प्रकार के स्टोर के अंदर ग्रोसरी, बेकरी, डायरी प्रोडक्ट ऐसे आइटम रखे जाते हैं। और दूसरा दोस्तों हाइपर सुपरमार्केट। दोस्तों हाइपर सुपरमार्केट के अंदर तो सभी प्रकार के प्रोडक्ट रखे जाते हैं, जैसे ग्रोसरी हो, पर्सनल केयर हो, सभी प्रकार के प्रोडक्ट हाइपर सुपरमार्केट के अंदर रखे जाते हैं। तीसरा है दोस्तों हाइपर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों हाइपर डिजिटल वर्ल्ड के अंदर मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फ्रिज, एलईडी, एलसीडी ऐसे सभी प्रकार के आइटम रखे जाते हैं। और चौथा है हाइपर स्टेशनरी। दोस्तों हाइपर स्टेशनरी के अंदर सभी प्रकार की स्टेशनरी के प्रोडक्ट रखे जाते हैं, जैसे ऑफिस की स्टेशनरी अलग, स्कूल की अलग, कॉलेज की अलग, ऐसे सभी प्रकार के स्टेशनरी प्रोडक्ट इसके अंदर रखे जाते हैं। दोस्तों कंपनी ये 4 प्रकार के स्टोर ओपन कराती है और कंपनी 2 प्रकार के फ्रेंचाइजी मॉडल देती है। एक तो दोस्तों फोको मॉडल, एक होता है फोफो मॉडल। दोस्तों यदि आप फोको मॉडल और फोफो मॉडल के बारे में नहीं जानते तो आप हमारी वेबसाइट से इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि फोको मॉडल क्या होता है और फोफो मॉडल क्या होता है। दोस्तों दोनों के बारे में हमने विस्तार से वहां बताया है, आप वेबसाइट से आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि यदि आप हाइपर सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपकी जमीन और आपके फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि दोस्तों यदि आप अपनी खुद की जमीन के अंदर कंपनी का स्टोर ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और यदि आप जमीन खरीद रहे हैं या किराए पर ले रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाएगी। और दूसरी बात दोस्तों यदि फ्रेंचाइजी मॉडल की करें तो दोस्तों दोनों प्रकार के फ्रेंचाइजी मॉडल यानी फोको मॉडल और फोफो मॉडल के अंदर आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दोस्तों यदि फोको मॉडल की बात करें तो इसके अंदर आपको कम से कम कंपनी को 3 से 3.5 लाख रुपए के बीच ब्रांड सिक्योरिटी देनी पड़ती है। उसके बाद अपने बिल्डिंग एस्टेब्लिश करनी है, यानी स्टोर की बिल्डिंग एस्टेब्लिश करनी है, बिल्डिंग के अंदर इंटीरियर एस्टेब्लिश करवाना है और वर्कर हायर करने हैं और कुछ अदर चार्जेस हो जाएंगे। तो सभी चीजों को मिलाकर दोस्तों यदि आपके पास 50 से 60 लाख रुपए है तो कंपनी का फोको मॉडल फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि फोफो मॉडल की बात करें तो फोफो मॉडल के अंदर कंपनी कम से कम 5 से 5.5 हज़ार पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे फ्रेंचाइजी फीस लेगी यानी ब्रांड सिक्योरिटी लेगी, और इसके बाद आपको बिल्डिंग एस्टेब्लिश करनी है और कुछ अदर चार्जेस हो जाएंगे। तो इसके अंदर दोस्तों आपके पास कम से कम 70 से 90 लाख रुपए होना चाहिए यदि आप कंपनी के फोफो मॉडल की फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों फोको मॉडल के अंदर कंपनी अपने हिसाब से बिल्डिंग एस्टेब्लिश करती है और फोफो मॉडल के अंदर आप अपने हिसाब से अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं कि आप कितना बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं या कितना छोटा बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप हाइपर सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कितनी जमीन की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों जमीन की बात करें तो जमीन आपके स्टोर और आपके फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि दोस्तों यदि आप एवरीडे मार्केट ओपन करते हैं यानी आप ग्रोसरी, फॉरिजनल, बेकरी या डायरी प्रोडक्ट के लिए छोटा स्टोर ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको कम से कम 500 से 1500 स्क्वेयर फीट जमीन की जरूरत पड़ेगी, और यदि आप सुपर मार्केट ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको कम से कम 5 से 10 हज़ार स्क्वेयर फीट जमीन की जरूरत पड़ेगी, और यदि आप डिजिटल वर्ल्ड ओपन करते हैं तो इसके अंदर कम से कम दोस्तों आपको 1500 से 3 हज़ार स्क्वेयर फीट जमीन की जरूरत पड़ेगी, और यदि आप हाइपर स्टेशनरी मार्केट ओपन करते हैं तो इसके अंदर कम से कम दोस्तों आपको 500 से 1500 स्क्वेयर फीट जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इसी तरह स्टोर के ऊपर आपकी जमीन डिपेंड करेगी। तो दोस्तों इस तरह सभी प्रकार के स्टोर के अंदर आपको अलग अलग जमीन की जरूरत पड़ती है। आप अपने बजट के हिसाब से और आप अपनी जमीन के हिसाब से कौन सा भी स्टोर ओपन कर सकते हैं और
अपना एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप हाइपर सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपके कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों कंपनी दोनों प्रकार के डॉक्यूमेंट चेक करती है यदि आप हाइपर सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो। दोस्तों यदि पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए और आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर दोस्तों आपके पास अपना राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है और दोस्तों आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए और कुछ अदर डॉक्यूमेंट है दोस्तों वे डॉक्यूमेंट आपको कंपनी से पता चलेंगे। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपने स्टोर का जीएसटी नंबर होना चाहिए और यदि प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी प्रॉपर्टी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट विद टाइटल और एड्रेस के साथ होने चाहिए। और दोस्तों यदि आप जमीन लीज पर ले रहे हैं तो आपके पास उस जमीन का लीज एग्रीमेंट और एनओसी होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप हाइपर सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अच्छी सी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और अच्छी खासी जमीन होनी चाहिए, तभी आप हाइपर सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी लेकर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि यदि आप हाइपर सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप हाइपर सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं जैसे दोस्तों आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको इनका अच्छा सा इंटरफेस दिखाई देगा और इनका लोगो दिखाई देगा हाइपर सुपरमार्केट का, ठीक है दोस्तों। और आपको यहाँ से कंपनी के सभी प्रोडक्ट पता चल जाएंगे कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट के अंदर बिजनेस करती है और आप यहाँ से अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवा भी सकते हैं क्योंकि दोस्तों कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग की फैसिलिटीज भी देती हैं। और दोस्तों आपको ऊपर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे आवर पार्टनर, कैरियर, फ्रेंचाइजी, कॉन्टैक्टस और ऑल कैटेगरी, ठीक है दोस्तों। आपको फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो दोस्तों आप फ्रेंचाइजी के ऊपर अपना कर्सर लेके जाएं। जैसे ही दोस्तों आप फ्रेंचाइजी के ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आपके सामने पांच ऑप्शन ओपन होंगे, एक तो फ्रेंचाइजी बिजनेस, एक फ्रेंचाइजी प्रोसेस, एक अप्लाई ऑनलाइन, एक कॉन्टैक्ट विद अस, एक डाउनलोड, ठीक है दोस्तों। आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अप्लाई फॉर फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, ठीक है दोस्तों। इस फॉर्म के अंदर सभी डिटेल भरनी है जो कंपनी पूछ रही है, ठीक है दोस्तों। एक एक फील्ड को अच्छे से भरें और ध्यानपूर्वक भरें क्योंकि दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास जाएगी और कंपनी इसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपसे कॉल करेगी या आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम भरना है, उसके बाद अपना लास्ट नेम भरना है, उसके बाद दोस्तों आप अपनी ईमेल आईडी भरें और मोबाइल नंबर भरें, फिर दोस्तों आपको अपना एड्रेस डालना है और सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको फ्रेंचाइजी मॉडल सिलेक्ट करना है कि आप फोफो मॉडल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, फोको मॉडल की लेना चाहते हैं। दोस्तों फ्रेंचाइजी मॉडल सिलेक्ट करने के बाद मैसेज के अंदर दोस्तों आप अपनी जमीन से रिलेटेड और आपकी लोकेशन से रिलेटेड सभी जानकारी भरें कि आप कंपनी से किस लिए कॉन्टैक्ट करने हैं, आपकी लोकेशन कहाँ है, आपके पास कितनी जमीन है, आपके आसपास कितने स्टोर है या नहीं है, सभी डिटेल दोस्तों इसके अंदर आप डाल दें। जितने अच्छे से आप दोस्तों मैसेज डालेंगे उतने ज़्यादा चांस हो गए कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करे, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आप एक बार पूरा फॉर्म चेक कर लें, आपने जो भी डिटेल भरी है वो सही भरी है। सभी डिटेल भरने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक आई हैव रीड एंड एग्री टू दिस टर्म एंड कंडीशन का चेकबॉक्स दिखाई देगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें, ठीक है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप फॉर्म को सबमिट कर दें। जैसे ही दोस्तों आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास चली जाएगी और दोस्तों फिर कंपनी एक या दो वीक के बाद आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी यदि कंपनी को आपकी लोकेशन के ऊपर फ्रेंचाइजी की रिक्वायरमेंट है तो। क्योंकि दोस्तों जहां पर ज़्यादा पहले से स्टोर हैं वहां पर कंपनी कम फ्रेंचाइजी देती है, इसलिए दोस्तों यदि आपकी लोकेशन के ऊपर पहले से स्टोर ओपन नहीं हो रहे तो आप जरूर ट्राई करें और कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको फॉर्म अप्लाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम दोस्तों अलग से वीडियो अवेलेबल करा देंगे जिसके अंदर हम आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखा देंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यदि आप हाइपर सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो इसके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। तो दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन देती है और सभी प्रकार के प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन देती है। इसलिए दोस्तों यदि आप प्रॉफिट मार्जिन के बारे में ज्यादा जानकारी लेना
चाहते हैं तो दोस्तों आपको कंपनी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, वहीं से आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है कि कंपनी कौन से मॉडल पर कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन देती है और किस प्रोडक्ट पर कितने परसेंट प्रॉफिट मार्जिन देती है। यह सभी जानकारी दोस्तों आपको कंपनी से मिल जाएगी। आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट से कंपनी का टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, आप वहां से कंपनी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और सभी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप हाइपर सुपर मार्केट की फ्रेंचाइजी लेकर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों यदि आप इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या आपको यहाँ कुछ समझ नहीं आया तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहां से वेबसाइट पर जाएं और इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस फ्रेंचाइजी या योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।